नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल बजट टूर विद ब्रिजेश में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कभी भी आगरा घूमने के लिए आते हैं, ताजमहल घूमने के लिए आते हैं, तो अपना एक दिन कैसे यहां पे स्पेंड करें। एक दिन में आप ताजमहल और ताजमहल के आसपास की जगहों को कैसे घूमें और कहाँ शॉपिंग करें, अपना एक दिन आगरा में कैसे बिताएँ। जो भाई बहन मथुरा घूमने के लिए आते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि अब इतनी दूर आए हैं तो चलो ताजमहल भी घूम लेते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो भाई लोग मथुरा से, दिल्ली से एक दिन के लिए आगरा घूमने के लिए आते हैं। अपना एक दिन आगरा में कैसे बिताएँ, कैसे घूमें, हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और हाँ, जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, यह है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। ताजमहल पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए भारत देश के सभी छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें हैं। आगरा के आसपास के शहर जैसे मथुरा, दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, इन सभी शहरों से आपको आगरा के लिए रोडवेज बसों की सुविधा मिल जाएगी। आगरा में हवाई अड्डा भी है, आप यहां पे हवाई मार्ग द्वारा भी पहुंच सकते हैं। आगरा के सभी स्थानों को यहां पर आप आगरा के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे टेम्पू, बैटरी रिक्शा और आगरा की लोकल बसों के माध्यम से बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ कम से कम खर्चे में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ की लोकल इलेक्ट्रिसिटी बस का प्रयोग करें। आपको रेलवे स्टेशन के बाहर कई सारी ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रिक बसें दिख जाएंगी। इन बसों से आप ताजमहल बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इस बस में पर व्यक्ति 20 रुपये किराया है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल तक का। मैं बस में बैठ गया हूं और हमारी बस ताजमहल के लिए निकल चुकी है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कि आप आगरा कैंट रेलवे स्टेशन सुबह 10 बजे के आसपास पहुंच जाएं, तभी आप एक दिन में अच्छे से आगरा घूम पाएंगे। मुझे बस वाले ने ताजमहल के वेस्टर्न गेट के बाहर उतार दिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से बस वाला आपको यहां पर 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंचा देगा। यहां से ताजमहल की दूरी लगभग 500 मीटर है, आप पैदल 10 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यह है ताजमहल का वेस्टर्न गेट। यहीं से हमें टिकट लेनी होगी अंदर जाने के लिए। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम वगैरह, तो आप ऑनलाइन भी टिकट यहां से ले सकते हैं। ये देखिए, यहां पे लोग ले रहे हैं। मेरा इंटरनेट यहां पे चल नहीं रहा था, तो इसलिए दोस्तों मैंने ऑफलाइन टिकट ली थी और काफ़ी लंबी लाइन लगी थी ऑफलाइन में। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये पर व्यक्ति टिकट है और 12 साल से कम बच्चों की टिकट फ्री है। 50 रुपये की टिकट में आप ताजमहल के चारों तरफ घूम सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ताजमहल के ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपये की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। आप चाहें तो 200 रुपये की टिकट भी यहीं से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको यहां पे नहीं लेनी है, अंदर लेनी है, तो आप अंदर जाके भी टिकट ले सकते हैं। 200 रुपये की टिकट अंदर ताजमहल के पास में ही मिलती है। मैंने टिकट ले ली है दोस्तों। यहाँ पर आपको टिकट की जगह टोकन मिलेगा। 50 रुपये वाली मैंने टिकट ली है। आइए अब अंदर चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है वेस्टर्न गेट जहां से हमने अंदर एंट्री करी है। अब इस गेट से दोस्तों हम अंदर जाएंगे ताजमहल के लिए। देखिए कितनी भीड़ है यहां पर सामने। आइए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ताजमहल का। ये ताजमहल पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और हर शुक्रवार के दिन बंद रहता है। पूरा ताजमहल घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय होना चाहिए। 2 घंटे में आप ताजमहल
बहुत अच्छे से घूम लेंगे। ताजमहल के चारों तरफ ये हरा भरा गार्डन ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। ₹50 की टिकट में दोस्तों आप ताजमहल के चारों तरफ घूम सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, आप यहाँ पर नहीं चढ़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ₹200 की अलग टिकट लेनी पड़ेगी। ₹200 की टिकट आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, आप चाहें तो बाहर काउंटर से भी ले सकते हैं। ये पूरा ताजमहल वाइट संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ये खूबसूरत अजूबा ताजमहल बनवाया था। ताजमहल परिसर के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर आप ताजमहल के बारे में कई सारी जानकारी जान सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता। ताजमहल के पास में ही मस्जिद भी बनी हुई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सामने लाल कलर की। दोस्तों यहाँ पर हर शुक्रवार को मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, इसलिए दोस्तों हर शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। आइए मैं आपको ताजमहल के पीछे का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यमुना नदी है, कितना शानदार दृश्य है यहाँ का। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा वेस्टर्न गेट की तरफ, जहाँ पर हमें बस वाले ने उतारा था। वेस्टर्न गेट के बाहर आपको खाने पीने के लिए जैसे गोलगप्पे, सैंडविच, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम और फल आदि चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद और 1 घंटा आराम करने के बाद मैं चल पड़ा आगरा के लाल किले की तरफ। यह है दोस्तों आगरा का लाल किला। ताजमहल के वेस्टर्न गेट से इस किले की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। आप पैदल भी 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ताजमहल के वेस्टर्न गेट के बाहर से आपको बैटरी रिक्शा भी मिल जाएंगे, जिनमें शेयरिंग में ₹10 किराया है, वो आपको लाल किले के पास में ही छोड़ देंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं दोस्तों, चलो सबसे पहले मैं टिकट ले लेता हूँ। मैंने टिकट ले ली है दोस्तों, यहाँ पर ₹50 की टिकट है पर व्यक्ति। ये किला पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरा किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पूरा लाल किला घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। सामने आप देख रहे हैं ये जहांगीरी महल है। इस किले की सभी दीवारों को, इमारतों को इतनी खूबसूरती के साथ कारीगरों ने बनाया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर आते हैं। जो भी पर्यटक ताजमहल घूमने के लिए आते हैं, वो लोग लाल किला ज़रूर घूमते हैं। आप भी कभी ताजमहल घूमने के लिए आएँ तो अपनी यात्रा में लाल किले को ज़रूर शामिल कीजिएगा। ब्यूटीफुल। इस किले से आपको आगरा शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट इस किले के आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और बनावट को देखने के लिए आते हैं। सामने आप वीडियो में देख रहे हैं ये जहांगीर का स्नान कुंड है। अब यहां से हम जाएंगे दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आगरा के सदर बाज़ार में है। ये है दोस्तों श्री तिरुपति बालाजी मंदिर। ये मंदिर लाल किले से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल किले के बाहर से आपको शेयरिंग टेम्पू, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जिन्हें आप ₹50 में बुक करके आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं।
आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यह पूरा मंदिर साउथ इंडियन मंदिर की तरह बनाया गया है। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप साउथ के किसी मंदिर में घूम रहे हों। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तिरुपति बालाजी के। मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट करके छोटी सी क्लिप बना ली थी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे सदर बाज़ार। यह सदर बाज़ार तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। आगरा का यह सदर बाज़ार लेदर के सामानों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लेदर के सामान जैसे पर्स, बैग आदि चीज़ें यहाँ पे ख़रीद सकते हैं लेदर से बनी हुई। हर त्यौहारों के समय यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दीपावली के समय दोस्तों मैं यहाँ पे आया था, अभी मेला लगा हुआ है यहाँ पे। हर फेस्टिवल पर यहाँ मेला लगता है। सदर बाज़ार आगरा में खाने पीने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध मार्केट है। बाहर से जो भी टूरिस्ट ताजमहल घूमने के लिए आता है वो इस मार्केट में खाने पीने के लिए, यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए इस मार्केट में ज़रूर आता है। ये आगरा शहर की सबसे पॉपुलर मार्केट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की लाइनों में कितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों की। यहाँ पर आपको हर तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए मिल जाएंगे। सदर मार्केट में शॉपिंग करने और खाना पीना करने के बाद अब मैं जाऊँगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको शेयरिंग में बैटरी रिक्शा टेम्पू मिल जाएंगे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए, जिनमें शेयरिंग में 10 रुपये किराया है प्रति व्यक्ति। सदर बाज़ार से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन मुझे बैटरी रिक्शे वाले ने 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंचा दिया है। अभी दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं, अब मैं यहां से वापसी जाऊंगा। एक दिन के टूर में हमने अच्छे से आगरा घूम लिया है। आप भी कभी एक दिन का टूर बना के आते हैं यहां घूमने के लिए तो आगरा को ऐसे आप घूम सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके से। दोस्तों अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।